गुड आफ्टरनून ऑल। सी पी कोटक मेमोरियल प्राइमरी स्कूल वेलकम्स यू। स्टैंडर्ड 6 साइंस। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, so let's start with the introduction. So separation of substances is done for various reasons. Okay, substances का separation कुछ reasons की वजह से होता है. Okay, ऐसे ही नहीं कि कोई भी substance लो और उसको आप separate कर दो. No, some reasons की वजह से substance का separation होता है. Okay, so फर्स्ट है टू रिमूव नॉन यूजफुल और हार्मफुल कॉम्पोनेंट्स. ओके, अगर कोई सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें अगर नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करने के लिए हम सेपरेशन करते हैं. ओके, सो लेट्स सी. पीस आर रिमूव फ्रॉम देयर पॉट्स बाय पीलिंग दैम. आफ्टर पीलिंग द टू कॉम्पोनेंट्स फॉर्म आर पीस शेल्स एंड पीस. The peas are useful whereas the pea shells have no food value and hence discarded. Okay, यहाँ पे आपको peas का example दिया है. Okay, pea is one kind of vegetable. Okay, आप खाते ही हो तो क्या होता है that हमें separation करना होता है because हमारा first reason है कि non-useful component निकालने के लिए. Okay, for example आपने pea लिया तो pea जो होता है उसको आप क्या करते हो, पील करते हो, उसको छीलते हो तो उसकी जो बाहर की जो छील होती है, ठीक है, छाल होती है उसकी, वो आप, वो कुछ यूज़फुल नहीं होती, वो आप खा नहीं सकते. तो उसको आप क्या कर सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हो, उसको आपने फेंक दिया. और अंदर के जो पीस होते हैं राउंड राउंड ग्रीन पीस, उसको आप वेजिटेबल में डाल के फिर आप कंज्यूम कर सकते हो. ओके, तो ये हुआ दैट सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नॉन यूज़फुल, आप ऐसे ही तो पी नहीं खाओगे, बाहर से बाजार से लिया फिर ऐसे ही सब्जी में डाल के खा लिया. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. आप सबसे पहले उसको छीलोगे, उसमें से जो उसकी छाल होगी वो फेंक दोगे. इसीलिए सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, आपने सब्सटेंस लिया, पी लिया, उसको सेपरेट किया. क्यों सेपरेट किया, क्योंकि उसमें नॉन यूज़फुल कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है, उसको डिस्कार्ड करने के लिए आपने उसको सेपरेट किया. ओके, ये सबसे मेन रीज़न है, सबसे फर्स्ट रीज़न है क्यों हम लोग सब्सटेंस का सेपरेशन करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट रीज़न, टू गेट द यूज़फुल कंपोनेंट. हमें उस सब्सटेंस में से यूज़फुल कंपोनेंट चाहिए, इसीलिए हम लोग सेपरेट करते हैं. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, when milk cream or curd is churned, it separates into a butter and buttermilk. Both the parts are useful. Okay, दूसरी चीज़ हम क्यों सेपरेट करते हैं, फॉर example आपने मिल्क की क्रीम लिया तो कर्ड लिया, ठीक है, दही लिया, उसको जब आप चर्न करते हो ना तब उसमें से दो चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है. सबसे पहले हमने पीस लिया, उसको हमने पील किया, उसमें से दो चीज़ें निकल के आई, एक पीस और एक उनके जो पी के जो शेल्स होते हैं, मतलब उनकी जो छाल होती है वो. उन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ नॉन यूज़फुल निकली और एक यूज़फुल. लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि दोनों यूज़फुल निकलेंगी, ठीक है. अगर आपने दही को चर्न किया तो उसमें से दो चीज़ें निकलेंगी, एक निकलेगा बटर एंड दूसरा निकलेगा बटर मिल्क. तो दोनों पार्ट्स कैसे हुए, यूज़फुल हुए. ओके, नाउ थर्ड इज टू ऑब्टेन प्योर सैंपल्स. आपको प्योर चीज़ वो चाहिए, इसीलिए भी आप सेपरेट करते हो. ओके, सो मैनी टाइम्स वी नीड द प्योर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस विच कैन बी ऑब्टेन बाय रिमूविंग इम्प्योरिटीज. कभी कभी हमको क्या चाहिए होता है, प्योर चीज़ चाहिए होती है, तो इसके लिए हमें इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर से निकालनी होती है टू गेट द प्योर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है प्योर सब्सटेंस. A substance made up of only one kind of particle is known as pure substance. अगर कोई भी substance एक kind के particle से बना हुआ होता है तो उसको बोलते हैं pure substance.
For example, sugar and common salt. In crystalline forms are pure substance. ये जो sugar and salt हैं वो एक ही kind के particles से बने हुए होते हैं, इसीलिए आप उसको pure substance बोल सकते हो. Okay? Most chemicals used in laboratory are pure. Laboratory में जितने भी chemicals use होते हैं वो mostly pure होते हैं. All elements and compounds are pure substance. A pure substance has a definite, well-defined set of properties. जो pure substance होते हैं उनकी properties definite होती हैं. Okay? A sample of pure substance has the same composition throughout. उनका जो composition होता है वो throughout same रहता है. Now, mixture. An impure substance is a mixture of two or more substances. जो impure substance होता है वो mixture होता है two or more substances का. ओके, उससे impure substance बनता है. These substances are called constituents or components of the mixture. इसको आप mixture के constituent बोल सकते हो. For example, milk is a mixture of water and cream, calcium, vitamins and so on. Suppose आप example ले लो milk का, तो milk क्या हुआ? Impure substance हुआ, because उसमें बहुत सारा का mixture होता है, बहुत सारे constituents का. For example, water होता है, cream होता है, calcium, vitamins and बहुत सारी चीज़ें होती हैं. Okay? So it is a impure substance. Now next आप ले सकते हो air. Air is a mixture of many gases. Air में भी कितने सारे gases का mixture होता है, तो इसीलिए आप उसको impure substance बोल सकते हो. Then next है sea water. Sea water में impure substance है. Why? Because it is a mixture of water and various salts. उसके अंदर water तो होता ही है, लेकिन बहुत different kinds के salts भी होते हैं, इसीलिए it is also a impure substance. Soil is a mixture of sand, clay, decayed remains of plants and animals and different salts. Soil जो होती है वो भी impure substance होती है. Okay? Now, let's see properties of mixture. Mixture की properties क्या हैं? First is, the components of mixture may be mixed in any proportion. Okay? कोई भी प्रोपोर्शन में वो मिक्स होता है. ऐसे नहीं कि ये 5% है, ये 3% है. सपोज सॉइल या सॉइल में सैंड 3% है, क्ले 5% है. नो, कोई भी प्रोपोर्शन में, वो 5 भी हो सकता है सैंड, क्ले 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, इट डजंट मैटर. कोई भी प्रोपोर्शन में वो मिक्सचर हो सकता है. द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर रिटेन देयर ऑन प्रॉपर्टी. जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है मिक्सचर में वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी रिटेन कर लेता है वापस से. ओके, दिस कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय अ सिंपल प्रोसेस. ये कंपोनेंट सेपरेट हो सकते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर. टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर. There are two types of mixtures, homogeneous and heterogeneous mixture. Okay, mixture के mainly दो type होते हैं, homogeneous and heterogeneous mixture. Okay, so let's see ये homogeneous का मतलब क्या होता है. A mixture where constituents cannot be seen distinctly or separately is called homogeneous mixture. For example, milk and air are homogeneous mixture. Okay. होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ऐसे होता है कि उसके जो कंस्टिट्यूएंट हैं वो सेपरेटली आप देख नहीं सकते हो. ओके, सो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ऐसे मिक्सचर्स जो आप देख नहीं सकते हो अपनी नेकेड आई से. ओके, फॉर एग्जांपल मिल्क है, आप मिल्क में देख सकते हो कि उसमें क्रीम है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, बट आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते. ओके, सेपरेटली आप उसको देख नहीं सकते, इसीलिए वो क्या हुआ? होमोजीनियस मिक्सचर. और एयर में भी ऐसे ही है, आप बहुत सारे गैसेस हैं उनको डिस्टिंक्टली सेपरेटली देख नहीं सकते हो, इसलिए वो होमोजीनियस मिक्सचर है. ओके, नाउ नेक्स्ट है हेटेरोजीनियस मिक्सचर. हेटेरोजीनियस मिक्सचर मीन्स अ मिक्सचर इन विच द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सीन ईजीली इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस मिक्सचर.
हेट्रोजीनियस का मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि आप इजीली देख सकते हो ओके कि ये इसकी साइज बड़ी है इसकी छोटी है ओके. फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड राइस और अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग्स और अ मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स ओके. फॉर एग्जांपल आप पिक्चर में ग्रेन्स देख सकते हो. ग्रेन्स में क्या होता है छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं ओके. तो उसको आप क्या करते हो सेपरेट करते हो तो उसको आप देख सकते हो कि इसमें थोड़े पत्थर हैं थोड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े छोटे छोटे वो मच्छर होते हैं थोड़े थोड़े एनिमल्स छोटे होते हैं. इसलिए आप उसको इजीली देख सकते हो कि ये ग्रेन है और ये स्टोन है ओके. इजीली आप उसको सेपरेट कर सकते हो. ऐसे मिक्सचर्स को बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स ओके. सो टुडे वी एंड अवर सेशन हियर. सो थैंक यू ऑल.